हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है हमारे दार्जिलिंग ट्रिप का लास्ट डे और कल हम लोग जाने वाले हैं गैंगटॉक। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप लोग को एक सैर तो मॉल रोड का करवाना बनता है। तो बस अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं मॉल रोड की सड़कों पे, और आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है खाने पीने के बेस्ट शॉप्स। फ्रेंड्स, मॉल रोड ना दार्जिलिंग का वन ऑफ द क्राउडेड एरिया है। काफ़ी भीड़ रहती है शाम में यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं बहुत रौनक है अभी आज। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खाने पीने से लेके शॉपिंग करने के लिए एक से एक गिफ्ट्स और शॉल, स्वेटर्स, चाय, बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल तो हम लोग ऐसे ही रोड पे टहल रहे थे, चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कहाँ कहाँ गए। गाइस, चौरस्ता में एंटर करते ही आपको ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बस हम यूं ही टहल रहे थे मॉल रोड की सड़कों पे, और रास्ते में इतना प्यारा सा बेकरी का शॉप देखने को मिला हमें। काफ़ी खूबसूरत था देख के, बस हम लोग एक ही बार में अट्रैक्ट हो गए यहाँ पे और बस चले गए अंदर। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कौन सी जगह है ये। गाइस, इस ब्यूटीफुल से बेकरी का नाम है होप ग्लेनरीज। ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट बेकरी है। फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। वैसे मॉल रोड में आप लोग को हर जगह रश मिलेगा, बट यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रश मिलने वाला है, आप लोग भी देख सकते हो। वैसे इसका रीज़न भी बहुत क्लियर है, यहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग है, वर्थ ट्राई है, मस्ट विजिट है, आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा। मैं इस प्लेस को पूरे 10 out of 10 देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के बेस्ट मफिन्स, वैरायटी ऑफ मफिन्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पेटीज आपको सब मिल जाएगा एक ही प्लेस पे, और बिल्कुल गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाता है यहाँ पे। एंड गाइस, इस प्लेस की खास बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिलती है, तो वर्थ ट्राई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के बेस्ट पेस्ट्रीज, मतलब इतने अच्छे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा खाऊं और कौन सा नहीं खाऊं। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ पेटीज ऑर्डर किए, चिकन पेटीज और कुछ स्वीट्स जो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए तो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ का एम्बियंस। आपको काफ़ी सीट्स यहाँ पे मिलती है बैठने के लिए, आप यहाँ बैठ के आराम से खा पी सकते हो, बस यहाँ रश बहुत ज़्यादा है तो आपको सीट्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, वेट किया जा सकता है। इस प्लेस के लिए बहुत सही जगह है, वर्थ ट्राई है। रश है, ये हमेशा ऐसे ही बिजी रहता है, कभी आपको खाली नहीं मिलेगा। हम लोग को सीट मिल जाए इसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और वो बिलिंग के लिए गए हुए हैं। एम्बियंस इसका बहुत सही है, बस वही है कि रश हमेशा यहाँ पे रहता है, कभी खाली नहीं मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, तो मैंने ये सारा चीज़ ऑर्डर किया है, इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ का स्पेशलिटी है कि आपको हर चीज़ बास्केट में ही रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग खा पी के निकल गए हैं वापस से मॉल रोड की तरफ, और देखिए क्या देखने को मिला। इतने क्यूट से प्लांट्स है ना, मस्त, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने ये शूट किया था। आप चाहो तो वहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टेशनरी दार्जिलिंग, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे। इस समय पे जो यहाँ का सीनरी था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। सामने रश आप देख ही सकते हैं। शाम के टाइम पे ठंड यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो सबसे बेस्ट यहाँ का जो चाय है, हमने वही आज ट्राई किया था। यहाँ पे आपको लेमन टी बहुत टेस्टी मिलती है, आप ट्राई कर सकते हो, और मैंने एक कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी साथ में। अभी हम पीने वाले हैं लेमन टी एंड कॉफ़ी।
मैडम चुरमुर खाते हुए, बंगाल का फेमस चुरमुर। अभी हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग का फेमस मॉल मार्केट। यहाँ पे आप लोग को वैरायटीज ऑफ शॉल, स्वेटर्स, एक से एक बढ़ के गिफ्ट आइटम्स बहुत कुछ मिल जाएगा, जहाँ से मैंने भी बहुत कुछ शॉपिंग की थी जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी लेना चाहे तो यहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। गाइज, इस दिन का जो व्लॉग था मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट डे के जर्नी पे। तो गाइज, ये मैंने लिया है उस बेकरी स्टोर से, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कि जो मैंने फ्रूट केक लिया है ये बहुत यमी लग रहा है और मैं खाने जा रही थी। मैं सोची पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं खाना शुरू करूँ। और ये मेरा डोनट, फेवरेट डोनट, चॉकलेट वाला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है आज सुबह का नाश्ता हमारा, गर्मा गर्म चाय, आलू पूड़ी, आलू के पराठे। तो ऐसा शुरू कर रहे हैं आज हम अपना दिन। और बस नाश्ता करके निकलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है गैंगटॉक। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ थर्ड डे ऑफ आवर जर्नी और बस हम दार्जिलिंग से निकल रहे हैं गैंगटॉक की तरफ। ये सुबह 5:30 बजे का व्यू, बादलों के साथ हम इस शहर को छोड़ के निकल रहे हैं। ये था हमारा होम स्टे जिसका नाम है ये पहाड़ी सोल। लो बजट के लिए अगर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाना है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हमारा 1200 अप्रोक्स पर डे का स्टे था। वो रही हमारी कार और हम निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। यहाँ से 3.5 घंटे की जर्नी है। तो चलिए चलते हैं और रास्ता आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे 10 पे। ये कवर करेगा दार्जिलिंग से गैंगटॉक, टोटल 94 किलोमीटर्स और लगभग 3.5 घंटे लगेंगे हम लोग को पहुंचने में। अभी हम लोग हैं तीस्ता करके एक एरिया है जो आपको रास्ते में मिलेगा, वो हम कवर कर रहे हैं। ये कंप्लीट घाटी एरिया है तो विजिबिलिटी थोड़ा सा खराब है अभी तो फिलहाल, ठीक है। मतलब अगर आप सुबह निकलते हो तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है क्योंकि यहाँ पे धुंध वाली जो इशू है वो थोड़ा ज़्यादा है। और क्योंकि ये पूरा स्टीप एरिया है, पूरा स्लोपी एरिया है ना, तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा आप लोगों को भी जब भी आप अगर बाइक कार ट्रैवल कर रहे हैं तो। अगर आपके पास ड्राइवर है तब उतना आपको सोचना नहीं है, बट अगर आपको खुद सेल्फ ड्राइव कार या जूम कार आप अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आप आराम से ही चलाएं इस एरिया में तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों तरफ, इस तरफ आपको पूरी घाटी मिलेगी, पूरे धुंध है और घाटी है तो थोड़ा देखना पड़ता है। और फिर बस कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट कौन सा स्टॉपेज आता है या कौन सा जो एरिया आता है वो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे तीस्ता करके लिखा हुआ है, तो हम लोग बस चल रहे हैं आगे। इस रोड को पेशाक रोड बोलते हैं जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं। चलो स्टे ट्यून्ड गाइस। देखिए दोस्तों, यहाँ के पेड़ कितने सही लग रहे हैं यार, इतने बड़े बड़े पेड़ और उतने लंबे। ये यहाँ पे लामहाटा करके कोई जगह है जहाँ पे अभी हम लोग पहुंचे, वही सेम है, एक तरफ पेड़, पूरे पेड़ ही पेड़ और एक तरफ घाटी और अब रोड ही ऐसा है तो अपन क्या कर सकते हैं, चलते है तो बड़ा सुंदर यार, कुछ भी बोलो। बस यही है कि घाटी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है।
सो फ्रेंड्स, हम हैं अभी तीस्ता नदी के किनारे। ये है ब्रिज जो क्रॉस करके हम जाएंगे गैंगटॉक। यहाँ चाय के लिए रुके थे हम थोड़ी देर के लिए। यहाँ ये नदी आप देख सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी नदी है यार, ये बहुत सुंदर है। व्यू भी बहुत सही है यहाँ का। चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। बाय बाय। इतनी बड़ी सी नदी है, ऐसे तो फोटो में पता नहीं चल रहा है, बाकी इन रियल तो ये यार ये तो बहुत ह्यूज है और इसका बहाव भी बहुत तेज है। तो दोस्तों, वी आर क्रॉसिंग तीस्ता रिवर एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स गैंगटॉक। ये रिवर बहुत सुंदर है, बहुत चौड़ा है और आज तो राफ्टिंग भी नहीं हो रहा है क्योंकि आज इसका बहाव बहुत तेज है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ब्रिज क्रॉस करते हुए। निकल चुके हैं रांगपो के लिए जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तीस्ता रिवर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी इसका प्रभाव उतना ही तेज है। नदी बहुत बड़ी है, देख सकते हैं। व्यू यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं, ये नदी काफ़ी खूबसूरत है। सो दोस्तों, वी हैव रीच्ड सिक्किम। देखिए, आप भी देख सकते हो वेलकम टू सिक्किम का बोर्ड। अब फाइनली हम सिक्किम एंटर कर रहे हैं और गैंगटॉक के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी तक हम लोग थे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल साइड। ये है यहाँ का चेक पोस्ट ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सो लेट्स गो, लेट्स चेक इन टू सिक्किम एंड गैंगटॉक चलते हैं। चलिए आप लोग भी हम लोग के साथ। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं सिक्किम के, ये जो एरिया है इसको हम लोग रामफू बोलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग रामफू में हैं जो कि गैंगटॉक से 40 किलोमीटर पड़ेगा आपको। सिक्किम एंटर करेंगे तो आप पहले यहीं से रामफू होते हुए ही गैंगटॉक जाएंगे, तो बस 40 किलोमीटर और बचा हुआ है फिर हम गैंगटॉक पहुंचेंगे। तो चलिए, वे टू गैंगटॉक। सिक्किम में पेट्रोल का रेट 111.40 रुपये है दोस्तों। अभी हम लोग रामपो पे ही हैं, यहाँ से पेट्रोल भरवा के हम आगे बढ़ेंगे अपने 40 किलोमीटर के सफर पे। दोस्तों, वी आर ऑन गैंगटॉक रांगपो रोड। रोड तो प्लेन आ गए हैं, अब स्लोपी एरिया खत्म हो चुका है, प्लेन है और सीधी रोड है, ज्यादा इसमें कर्व्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये इजी है आपको ट्रैवल करने के लिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली। जो आप तीस्ता जो रिवर है वहां तक पहुंचने में आपको जो मैक्सिमम जो स्लोपी एरिया है ना वो वहां तक ही आपको मिलेगा। ये देखिए 30 किलोमीटर का बोर्ड आ गया, अब 30 किलोमीटर के अप्रोक्स ही बचा हुआ है गैंगटॉक। उसके बाद बस वहां के जो साइट सीइंग है वो आज हम लोग
दोनों करने वाले हैं, नाथुला और जो लेक है मैं नाम भूल रही हूँ, वो दोनों एरिया हम लोग कल कवर करेंगे। एक्चुअली हम लोग के पास दो ही दिन था गैंगटॉक के लिए, तो जो जीरो पॉइंट है ना वो हम लोग अभी कवर नहीं कर पाएंगे। टोटल 4 डेज का ही ट्रिप हमने प्लान किया हुआ था, तो कोई नहीं, कभी और से ही काफी कुछ कवर कर ही लेंगे और कर भी लिया है। दार्जिलिंग का तो अप्रोक्सीमेट सारे ही कवर कर लिए हैं, कुछ छूटे होंगे। टाइगर पॉइंट इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ का वेदर अभी जब हम आए हैं मई के टाइम पे तो वो उतना सुटेबल नहीं था, बारिश कंटिन्यूएशन में हो रही है 2 दिन से, सारा फॉग और क्लाउडी मौसम ही था अभी, तो हमने टाइगर हिल नहीं कवर किया क्योंकि रात में 3 बजे 3:30 बजे हम लोग को निकलना था और उसके बाद उतना ट्रैवल करने के बाद अगर सनराइज ना मिले तो फिर मजा नहीं आता है, फिर और जगह भी कवर करना था। तो बाकी जगह टाइगर हिल को छोड़ के हमने सारे कवर करे हैं जो हम आप व्लॉग में देख सकते हो। फाइनली वी हैव रीच्ड अवर 1 डे होम। सो दोस्तों, हम आज का जो हमारा स्टे है गैंगटॉक में, ये बैम्बू ग्रूव रिट्रीट होटल, यहाँ पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।